और अभी पुराने ड्रेसेस में आ रही हो वापस तुम? फिट हो रहा है, फिट हो रही हो, इसका मतलब तुमने वजन घटाया। और बहुत लोग पूछते हैं ना वजन कैसे घटाते, वजन कैसे घटाया, क्या किया? कुछ नहीं किया, काम करते रहो, अच्छा खाना खाते रहो और बहुत सारी मेहनत करो, काम करते रहो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारी बातें। सी और तुम तीनों मिलके क्या कर रहे हो यहाँ पे? इसको चार्ज करने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है सी, कहाँ गए? तो अभी ना मम्मी का सडन प्लान हुआ है और मम्मी जा रहे हैं कच्छ में जा रहे हैं यात्रा में, प्रवास में। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा ऐसे मम्मी बोल रहे हैं। इतने तुम एक दिन था ना तुम्हारे जवान हो तो हम सभी जगह नहीं जाके आए थे। तो अभी मम्मी जो जा रहे हैं वो सारे तीर्थ स्थान जा रहे हैं, नारायण सरोवर में, मतन मोड में, ब्रजमान, जैसल तोरल की समाधि है उस ना तो सभी जगह मम्मी एक बार तो जाके आए, लेकिन अभी जा रहे हैं तो अभी बस में निकलने वाले। आज ही प्लान हुआ, आज ही पैकिंग किया और आज ही निकलने वाले। बोलो मम्मी। उतरी भाभी जी के छोट छोटे પ્રમણે દી તમારે ક્યાં કઈ જવાનું? વાલી આવી ગઈ પછી પછી કેટલા દિવસ કાઢે તમારે? 5 દિન અમારે 5 દિન હોય તો મમ્મી 5 દિન કે લીએ જા રહે, આજ સે નિકલ રહે ઓર ફિર 4-5 दिन में आ जाएंगे वापस। तो अभी इवनिंग का ब्यूटीफुल नज़ारा है, टाइम है, चन्ने में से बहुत अच्छा पूरा ऑरेंज ऑरेंज केसरिया कलर दिख रहा है आसमान में। और मम्मी बस अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, तैयारी मम्मी ने ले लिया क्योंकि वहाँ पे ठंड ज़्यादा है होगी ऐसा मैं बोल रही हूँ, तो उसके लिए वहाँ जैकेट और सॉक्स ले लिए, हैंड ग्लव्स ले लिए, स्वेटर ले लिया, तो इनफ आपको सब लेके जाना। तो जल्दी मम्मी जाए यात्रा करके और वापस आ जाए जल्दी जल्दी। यात्रा ही जावा ना तो इनके तलब बहुत सोड़े जावानी तत्काल तैयार थे जा नहीं। हाँ मैं कही था कि मैंने चोट जावा दिया तो हर रामदेव जी के कोई करता था तो वहाँ मोरी डॉक थे दी। क्या हुआ? पेरा में दिए, पेरा में दिए। सिर्फ क्या देखना है, क्या देखना है, क्या देखना है? हिंदी समझ में नहीं आती तुमको सिर्फ? क्या देख रहा है? खुद भी वैसे सोने की कोशिश कर रहा है। अभी मम्मी गए हैं यात्रा में तो 5 दिन के बाद आएंगे पूरी कच्छ की यात्रा करके। और आभा का मिल्किंग हो गया, हम दिखाएंगे आपको एक दो दिन में। अभी धीरे धीरे या आभा यूज टू हो रही है, नहीं इसको ऐसे बैठ के मेरे साथ देखने की आदत है इसलिए वो ऐसे बैठ गया। इसको देखने कुछ पापा स्टार्ट करो, करता हूँ एक मिनट। सिर्फ तुम्हारा पेट मोटा हो गया। इतना पेट है हमारा खाने के, पापा का भी है थोड़ा सा, सिर की मम्मी का भी है और सिर के भाई का नहीं है। भाई है। देखो भाई है। तो अभी लखू भाई के घर आए हैं और यहाँ ना डिनर से पहले फायर पे बैठे सब लोग पार्टी, इसके बाद डिनर होगा।
शिव को पकड़ना है तो शिव को पकड़ना मुश्किल है। तो भाभी अभी रोटला बना रहे, कल ना हमने भाभी के आज का रोटला नहीं खाया था तो आज वापस आ गए। पूजा वैसे मैंने नाश्ता तो कर ही लिया था, आज देवो न का काले खी है क्योंकि खीहर पे हम खिचड़ा देते हैं एक टाइप का, तो वो हम बोल रहे हैं तो नहीं आज हम लेके नहीं जाएंगे, आपको आना है देने के लिए खिचड़ा। रोटला भी है और साथ साथ में सिर्फ थोड़ा सा खाना भी खा रहा है और पचाड़ भी कर रहा है। पूजा कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बेलन से पिटाई हो रही है यहाँ पे, सबकी पिटाई हो रही है बेलन से। थोड़ी तो दे दो उसको लगा इसलिए वोट निकल रहा है, वोट क्यों निकल रहा है? क्या थी शिव जी का आज ना, सिर थक गया ऑलरेडी, वो सोने वाला था। क्यों हंस रही हो ऐसे? नहीं सच में मुझे भी बहुत हंसी आती है। कोई नहीं थी दीका, लाइट दे जो, डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, आधा घंटे के लिए और निकलते रहे। जो टाइगर भाग भाग मन अभी तो ठीक है, वरना पहले ना पूजा की हंसी स्टार्ट हो जाती थी ना, बंद ही नहीं होती थी, कुछ भी कर लो पूजा की हंसी बंद ही नहीं होती थी। उसके लिए कि अभी होट स्टॉप हो गया। जो पूजा जो कहाँ है गोलू, जो कहाँ है गोलू, आई वो तो कई चिड़िया। उसके रिएक्शन तो देखो, टाइगर नहीं क्या आज तुम्हें कौन से चीज पसंद नहीं है? बिल्ली पसंद है, कुत्ता पसंद है, घोड़े पसंद है, ट्रैक्टर पसंद है, बुलेट पसंद है, बाइक पसंद है। ये भी देखो कैसे बैठ गई है। क्या खा रहे हो? इसको मोर बहुत पसंद है। बोल के लेते हैं। ये बताओ ही भाव है। बोल रही हूँ। जितने भी ऊपर टेडी बियर है सबको नीचे लेके सब लेके देखो ये चोटी। अभी ना हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो वीडियो नहीं आया था, बच्चों को मारते नहीं है लेकिन वो ताली बजाते हैं पीछे से तो रोने लगता है। मैंने किया तो शिव के वोट निकल गए थे और वो देख के मेरे को हंसी आती है बहुत, तो रुकती नहीं है। और वोट निकल रहा था कि तुम मेरे पे हंस रही हो, मेरी हंसी ऐसी है कि रोने लग जाए हो गया है। बच्चे तुमको छोटी कैसी लग रही है? मस्त। क्या क्यों कहा है थी क्या ये काम वाले द छोटी ए शिवानी शिवानी ए शिवानी ए शिवानी ए शिवानी काम करो। तो अभी आपा का दूध है, दो आंचल का निकालते हैं, दो आंचल का पिला दिया और अभी धीरे धीरे और दूध बढ़ेगा। शिव कैसा लग रहा है ये? हाँ शिव नहीं अच्छा लग रहा है। वहाँ पे अभी पतंग एक टूट गई थी ओम की, एक नहीं उड़ रही थी तो अभी दूसरी पतंग लेके गए, उड़ाने की कोशिश में है। और ऐसे हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो दूसरे राज्यों में जो भी सेलिब्रेट करते हैं इस टाइम पे लोहरी ओनम सबको हैप्पी फेस्टिवल। और सी भी वहाँ पे साथ में
घूम रहा है, पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन ये पतंग को थोड़ा सा कुछ पेट दर्द है तो वो वापस आ रही है नीचे, नहीं उड़ती नहीं है इतनी अच्छे से। आज हवा तो चल रही है थोड़ी थोड़ी, गई 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 रह गई, बच गई, ऐसे हो रही है। मोटला इन वहां पड़ी, ए ए ए ये मरने वाली है, मर गई। तो गुड न्यूज ये है कि अभी फाइनली ओम ने अपने आप ये पतंग उड़ा ली है ना। और कहाँ पे है शिव पतंग, कहाँ पे है भाई की? ओके देखो शिव दिखेगा, शिव शिव पतंग दिखाओ भाई की, और वो है वहाँ पे उड़ रही है, नहीं गिरेगी नहीं गिरेगी, ओ नो ओ नो, उड़ जाएगी, ओ जल्दी करो, उड़ी 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 उड़ जाएगी, ओम वापस उड़ गई, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, उड़ रही है, नीचे आ रही है फिर जा रही है, ऐसा हो रहा है। तो ना अभी हम लोग जा रहे हैं एक अच्छी ओपनिंग के लिए, क्योंकि अभी जा रहे हैं हम कल्याणपुर के आगे गांव है वहां पे, और वो आपको वहां जाके बताएंगे कि किस चीज़ का ओपनिंग है और क्या है। जनरली हम जाते मतलब कम ही है, लेकिन ये जाना पड़ेगा। जावा का ना आज अच्छे से वॉश कर दिया है पूरा, रामदेव रेडी है थार में, और हम निकल गए जल्दी जल्दी। भारती ना अभी ब्लू में है और अभी पुराने ड्रेसेस में आ रही हो वापस, तुम फिट हो रहा है अभी, फिट हो रही हो, इसका मतलब तुमने वजन घटाया। और बहुत लोग पूछते हैं ना वजन कैसे घटाते, वजन कैसे घटाया, क्या किया? कुछ नहीं किया, काम करते रहो, अच्छा खाना खाते रहो और बहुत सारी मेहनत करो, काम करते रहो, नहीं कम होता जाएगा, बच्चे कम कर देते हैं। आज बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा एक मीट होता है कि क्या होगा, मम्मी भी नहीं है, लेकिन इससे पहले हम वही रूट पे गए थे जब ट्रैक्टर का वीडियो किया था, उसी रूट पे वापस जा रहे हैं, किशन भाई के वहाँ गणेशगढ़ में जा रहे हैं। और किशन भाई बहुत टाइम से हमारे साथ कॉन्टेक्ट में है, और वो जीव दया ट्रस्ट करके उनका एक वो चला रहे हैं, रेस्क्यू करते हैं एनिमल को, पंछी पशु, सभी लोगों को याद ही होगा ना हमारा मोर जो गिरा था तो उसको रेस्क्यू किया था, फिर हम उड़ाने गए, किशन भाई हेल्प करते हैं पशुओं को, पंछियों को, बर्ड्स को। तो वहाँ पे उन्होंने एक हॉस्पिटल का ओपनिंग किया है, वो ओपनिंग करने के लिए हम जा रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं उधर, लेकिन वो सेवा में एक और हॉस्पिटल खुला है पशु पंखी के लिए, और किशन भाई दिल से करते हैं वो जो भी बर्ड्स का सेवा होते हैं, वो हमें देख के पता चलता है, पूरा टाइम देते हैं उसके पीछे ही होते हैं दिन रात कभी भी। आज बच्चे नहीं, बच्चे को, बच्चों को छोड़ के जा रहे, तो चने हमारे अच्छे होने वाले, पानी चल रहा है अभी हमारे चने में, चने की मिलेगी। भारती ना यहाँ पे अभी नेल पॉलिश का काम कर रही है, तो पेट्रोल स्टेशन पे गए ना, वहाँ पे वो हमारे मतलब जानने वाले ही है, रिलेटिव्स है, तो बोल रहे थे कि भारती बहन अभी नहीं सूखेगी, अभी रहने दो नेल पॉलिश उसको, शायद सिस्टर होगी तो उसको आइडिया रहता है, कुछ कुछ लड़कों को पता ही नहीं होता कि नेल पॉलिश सुखाना ये सब होता है, और इसको सुखाना पड़ता, नहीं सुखाते ना तो ये वो हो जाती है, लफड़ा हो जाता है फिर इसका, तो सुखानी पड़ती है, नहीं सुखाते तो बहुत खराब वाला रफड़ा होता है, लफड़ा। देखो कितना वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग में कितना मैं रेगुलर हूँ, काम कर रही हूँ, तो देखो पता टाइम नहीं मिल रहा है नेल पॉलिश का। अच्छा अच्छा, हाँ वो तुम्हें लास्ट में वही साबित करना था ना, तो वो मैं मनवा देता हूँ, आप सब लोग मान जाइए भर्ती की बात, भर्ती सही बोल रही है, बच्चों को संभालना, उसके साथ साथ ये करना, उसके साथ फलाना, उसके साथ ढिंका।
बेरा साहेब अपनी वच्चे उपस्थित छे। तमाम ताळियोना गड़गड़ाट थी पधारेला तमाम महानुभावोनो आपणे स्वागत करीशुं अने आवकारीशुं। आजना सुंदर मजाना कार्यक्रममां आपणा मेहमान श्री आपणी वच्चे उपस्थित छे, तो एमनुं अहींथी हार्दिक स्वागत करीए छीए। અખંડ વિશ્વ એક હે સભી સજીવ સુંદરા કુટુંબ ભાવ સે જીએ સમુષ્ટયા વસુંધરા। આ આખી પૃથ્વી છે ને એમાં તમામ જીવને જીવવાનો અધિકાર છે, અને આપણા ભાઈ કિશનભાઈ ને જે પ્રેરણા હતી ને એમાં એમ કહેવાય કે છોડને ખાતર અને પાણી આપવામાં આશીષભાઈનો બહુ મોટો ફાળો છે, એમને એક વખત જોરદાર તાળીઓથી વધાવો। અને પર મંથ સાહેબ 25 લાખ રૂપિયા જેટલો આ ફાઉન્ડેશન ચલાવવામાં કે ખર્ચ થાય છે, વિત વાવરવું બહુ અઘરી વસ્તુ છે સાહેબ, તાળીઓથી વધાવો। દુર્વાસા ઋષિ જ્યારે મેં આગળ કીધું ને કે અહીંયા કૃષ્ણ ભગવાન પાસે આવ્યા ને ત્યારે એની આગતા સ્વાગતામાં દુર્વાસા ઋષિથી ની આગતા સ્વાગતામાં કૃષ્ણ ભગવાનથી કંઈક ભૂલ રહી ગઈ અને એના કારણે શ્રાપ મળ્યો કે આ જમીન છે એ બંજર રહેશે। खूब खूब आभार। थे यहाँ पे और निकलने का टाइम है अभी, यहाँ पे इन्होंने बहुत टाइम से वैसे हमारे कॉन्टेक्ट में विजय भाई है, किशन भाई की टीम के एक बंदे, और ये छोटे थे जब हम आए ना तब, अभी इतने बड़े हो गए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किशन भाई की एक बात है कि उन्होंने क्या किया कि खुद तो मेहनत करते लेकिन इंडिया से छोटे छोटे लड़कों को इस काम में लगाया। ये अच्छी बात है कि टीनेज जो है वो ये सीख रहे कि किस तरह से वन्य प्राणी पशु पंखी जो भी है उनको बचाया जा सकता है और दूसरी कोई चीज़ों में ना लग के इसमें लग रहे, वो बहुत अच्छी बात है किशन भाई की और सब लोगों की। इनकी टीम थी यहाँ पे, एक साहब है हमारे साथ वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, वो भी किशन भाई को बहुत सपोर्ट करते हैं। बाकी जो सब लोग जो आए हैं, मुरु भाई है, पब्बू भाई माणिक आए थे, वो सब लोगों ने उनके सपोर्ट से किशन भाई की हॉस्पिटल खुल गई। किशन भाई बहुत खुश हुए आज और अच्छा लगा हमें भी यहाँ आके। बाकी कभी आगे आपको विजिट में ये जब रिलीज करते हैं तब हम दिखाएंगे इनके जो इंजर्ड जो होते हैं मोर वगैरह, तो ये उनको ठीक करके वापस रिलीज कर देते हैं उनको अपनी लाइफ जीने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। निकल रहे हैं आप, जब वापस आएंगे तब अच्छे से दिखाएंगे, किशन भाई भी होंगे साथ में। और ये संस्था हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी अपनी है, क्योंकि जब से स्टार्ट किया हम एक दो बार आए थे और जब फ्री किया तब भी आए थे, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है ये सारे
जो टीम है वो बहुत मेहनत करती है। और किशन भाई का क्या है कि वो मोर जब हमारे घर इंजर्ड हुआ था ना, तो उसके आंखों में वो दिख रहा था कि वो उसको कितना प्यार है बर्ड्स के लिए, बर्ड्स के लिए वो उसको भगवान मानते हैं, तो वो बहुत प्यार से उसकी सेवा करते हैं और ऐसे आगे बढ़ते रहे। थैंक यू। तो अभी हम जा रहे हैं घर और सुपरफास्ट जा रहे हैं क्योंकि अभी हमें लग रहा है कि सिर्फ भी वेट कर रहा होगा। सी होता है तो आसपास मम्मी का पापा का नाम नहीं लेते, तो वैसे वो बहुत गुड बॉय बन के खेलता है, बाहर लेके जाते हैं तो वो ज्यादा परेशान होता है, साथ में अनकंफर्टेबल होता है, घर पे वो कंफर्टेबली खेल सकता है। कंफर्टेबल है लेकिन जब हम लोग नहीं होते ना हाँ तो वो ढूंढता है। हाँ, मम्मी बोल रहे थे लास्ट टाइम भी तुम्हें बोला था कि इसको छोड़ के ज्यादा देर मत जाओ क्योंकि हाँ। फिर बच्चों को ना वो हो जाता है, वो ढूंढते है कि कहाँ पे गए मम्मी पापा कहाँ पे। और ओम अभी इतना बड़ा है फिर भी ओम मैसेज कर रहा था कि मम्मी नहीं अच्छा लग रहा है, तो नेचर लगे वो अकेला नहीं रहता, ओम का ना नेचर तुम्हारे जैसा है, जब साथ में होते हैं तो उसको कुछ पड़ी नहीं होती है। मेरा भी है, मैं एक दिन घर से बाहर जाता ना तो फिर मुझे शाम को नहीं अच्छा लगता, और फिर होता हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि सबसे मिलता रहता हूँ बात करता रहता, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपने काम में होता हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन जब नहीं होते तब याद आती है। मेरा उस तरह से नेचर है कि एक जगह पे कम्फर्ट हमारे लिए हो जाता है तो फिर दूसरी दूसरी जगह नहीं अच्छा लगता। अभी घर पहुंच जाएंगे, पकोड़े लेके जा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं वापस घर। हाय शिव, शिव अभी इसको ना मम्मी की नहीं पड़ी। ओके डाल काम कर, के वागियो आता ना काम आता ना, के वागियो ये जो है जो ત્રણ નતા ત્યાં પણ ત્રણ જીવન